हमारे मुल्क में बड़ी बदकिस्मती है कि कई दफ़ा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं, और ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचा देती हैं, और दूसरों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपने लोगों को, हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हैं। इस मुल्क के अंदर मैं आपको वाजे कर दूं कि जो हमारे लोग हैं वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। ये वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था, जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैंने कहीं भी इस तरह का अपने दीन से लगाव और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मैंने किसी मुल्क में ऐसा नहीं देखा जो हमारे मुल्क में। तो पहले तो एक सबको एक बात बता दूं कि हम सब का मकसद एक है, यहाँ वोटिंग करवा लें, सारी कौम पूछ लें लोगों से, तो कोई भी, और बाकी मुल्कों में भी वोटिंग करवाएं, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये लोग सबसे ज़्यादा आपको देखेंगे कि अपने दीन से भी प्यार करते हैं और अपने नबी से भी। तो मुझे सर अफसोस ये होता है कि कई दफ़ा इस प्यार को गलत इस्तेमाल किया जाता है। क्या हुकूमत को फिक्र नहीं है इस चीज़ की कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो क्या हमें तकलीफ़ नहीं होती? कौन फैसला करेगा? क्या किसी के दिल को चीर के किसी ने देखा कि कौन ज़्यादा प्यार करता है नबी से और कौन कम करता है? तो ये इसको जब इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, हम कोई अपने दीन को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, हम जिस मुल्क में जुर्म होता है उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मैं आज आपको यकीन दिला दूं कि मेरा अपनी कौम से वादा है, अपने लोगों से, कि कोई भी पाकिस्तान की तारीख में अगर इसके लिए दुनिया में कैंपेन चलाएगा, और इंशाल्लाह एक वक्त वो आएगा कि किसी की मगरब के मुल्कों में भी लोगों को किसी किसी को खौफ आएगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें, वो इसलिए कि इसके लिए कैंपेन की ज़रूरत है। यह मुल्क में मुजाहरे करके, तोड़फोड़ करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मगरब के अंदर, जिधर ये गुस्ताखी होती है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन जो कैंपेन मैं चलाऊंगा, और इंशाल्लाह शुरू कर दिया मैंने कैंपेन, मुसलमान मुल्कों को साथ मिला के, हेड्स ऑफ स्टेट जो मुसलमान मुल्कों के सरबराह हैं उनको साथ मिला के, उनके साथ पर हम पूरी तरह अपना केस प्रेजेंट करेंगे और कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में। उस तरह, उस प्रेशर की वजह से ये जो बार बार हमें तकलीफ दी जाती है कि किसी मगरब मुल्क में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की जाती है, हमें यहाँ तकलीफ़ होती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एक कैंपेन करेंगे सब दुनिया के मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करके, हेड्स ऑफ स्टेट को, जो मैंने ख़त भी लिखा है सबको, उससे ये फ़र्क पड़ेगा, तब ये जाके तब्दीली आएगी मगरब में। नहीं तो हम अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करते रहेंगे, वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को, बल्कि वहाँ हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई ये फितना कर देता है, नुकसान हम अपना अपना कर लेते हैं। जो मेरी कैंपेन है इंशाल्लाह, इससे हम हमेशा के लिए इस मसले का हल करेंगे, ताकि कोई भी बाहर बैठ के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करें। बहुत शुक्रिया।